हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्तों हम बात करेंगे रेडिएटर फैन मोटर के बारे में, और बिना देरी करते हुए हम रेडिएटर फैन के पास चलते हैं और उसके बारे में बताते हैं रेडिएटर फैन होता कैसे है और वो कैसे काम करता है और वो क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा रेडिएटर फैन है जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, इसे रेडिएटर फैन बोलते हैं। ये जब गाड़ी गर्म हो जाती है इंजन तो हमारा ये रेडिएटर फैन इलेक्ट्रिकल से काम करता है, तो ये लगा खा रहता है। तो दोस्तों ये हमारा रेडिएटर फैन है ना जो रेडिएटर के ऊपर लगा होता है। जब इसमें करंट आता है, वोल्टेज 12 वोल्ट से ये चलता है बैटरी से, जब 12 वोल्ट का इस पर करंट आता है तो ये घूमना चालू करता है, और जब ये घूमता है तो ये क्या बाहर की हवा को अपनी साइड खींचता है रेडिएटर के अंदर से। तो जो रेडिएटर के अंदर पानी भरा होता है और रेडिएटर में जो फिनसे लगी हुई होती है, वो फिनसों से जब एयर को खींचता है तो ये क्या जो उसके अंदर हमारा कूलेंट चल रहा होता है इंजन के अंदर, वो रिसर्कुलेट होता रहता है, उसको ये खींचने से ये ठंडा करता है। तो जैसे हमारी हवा खींचेगी तो हवा में क्या होता है, जो रेडिएटर गर्म होता है उससे हवा, ठंडी हवा आती है, गर्म हवा को लेके नहीं बाहर निकल जाती है, इसलिए ये रेडिएटर फैन लगाया जाता है हमारा। तो ये कैसे काम करता है, इस पर कैसे करंट आता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। रेडिएटर फैन मेनली काम ये है कि हमारा जो इंजन चल रहा है उससे ज़्यादा टेम्परेचर ना होने दे, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंजन गर्म होगा तो इंजन सीजर हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा गर्म होने से इंजन हमारा डेड होने की पोजिशन में आ जाता है। तो इसलिए हमें ये रेडिएटर फैन लगाया जाता है। इसकी स्पीड होती है, ये हवा को पीछे की साइड से रेडिएटर के आगे से खींचता है इंजन की साइड। तो इसमें जो ये पावर सप्लाई कैसे आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों आपको पावर सप्लाई समझा देते हैं, जो हम इसकी जो पावर सप्लाई है जो मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कि इसमें पावर सप्लाई कैसे जाती है, कहाँ कहाँ से करंट आता है, इस वायर में कैसे कैसे करंट पहुँचता है, और जब ये रन करता है तो ये कैसे घूमता है। तो दोस्तों ये हमारी पावर सप्लाई है जो हमारा, दोस्तों ये हमारा वायरिंग डायग्राम है, और ये हमारा जो वायरिंग डायग्राम मैंने बना रखा है जो आपको समझ में आ जाए कि वायरिंग में कैसे सप्लाई होती है, कैसे कैसे करंट आता है, क्या क्या चीज़ होती है। तो ये हमारा रेडिएटर फैन है जो हमारा रेडिएटर के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये कहाँ कहाँ से सप्लाई रहता है। ये जो हमारा रेडिएटर है, रेडिएटर में पानी भरा रहता है, यहाँ से हम पानी डालते हैं इसके अंदर तो पानी चलता है। ये छोटी छोटी सी फिन्स होती है, ट्यूब होती है, तो इसमें से जब हमारा रेडिएटर फैन चलता है, जब हवा खींचता है तो अंदर की साइड खींचता है, तो इंजन हमारा ठंडा होता है। तो ये देखिए हमारा ये पहले बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है जिससे हमें पावर सप्लाई मिलती है। तो 12 वोल्ट की बैटरी एक हमारी नेगेटिव टर्मिनल से अर्थ होती है, और दूसरा हमारा चाबी स्विच होता है जो कि इग्निशन स्विच होता है, उस पर करंट आता है। इसके बाद में हमारे आगे जो ये फ्यूज बक्सा है, फ्यूज बक्सा पे हमारा जंक्शन बॉक्स पे हमारे पास करंट आ जाता है। तो अब ये कैसे कैसे सप्लाई होता है ये बता देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रेडिएटर फैन की रिले है, रिले कैसे ऑपरेट होगी और यहाँ पे करंट कैसे आएगा। तो ये रेडिएटर जो हमारा रेडिएटर फैन है उस पर दो वायर होती है, दो वायरों के हिसाब से हम कैसे चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जो माइनस अर्थ होता है और एक करंट लेके आता है। तो ये हमारे यहाँ से फ्यूज के द्वारा हमारे पास एक 40 नंबर का फ्यूज से एक यहाँ पे हमारे पास करंट आ जाता है जो रिले के ऊपर होता है, और दूसरा हमारा एक 10 नंबर के फ्यूज से जो ये हमारा ये रेडिएटर पे एक हमारा फैन स्विच लगा रहता है। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, 85 डिग्री टेम्परेचर होता है इंजन का, तो यहाँ से ये स्विच है ना ऑन हो जाता है। जब ऑन हो जाता है तो यहाँ से करंट सप्लाई होता है आगे की साइड, जब आगे की साइड सप्लाई होगा तो ये हमारा क्वाइल कनेक्टर होता है रिले का, रिले का क्वाइल कनेक्टर से क्या होता है इधर अर्थ होता है। तो जैसे मैग्नेट उत्पन्न होगी तो यहाँ से हमारा पॉइंट चिपकेगा, जब ये हमारा पॉइंट चिपकता है तो यहाँ से पावर सप्लाई आगे की साइड चलती है, आगे की साइड जब पावर सप्लाई आएगी तो ये हमारा अर्थ है। तो ये जैसे पावर सप्लाई इसके अंदर पूरी घूमेगी तो हमारा रेडिएटर फैन ऑन हो जाएगा, ऑन होने से ये जो हमारा पंखा है ये घूमना चालू करेगा, जब पंखा घूमना चालू करता है तो यहाँ से हवा खींचना चालू कर देता है। तो ये आपको आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब।